नमस्कार, आर्टिकल 17 चलते हैं। 14th, 15th, 16th हम लोगों का हो गया। 17th और 18th करते ही हम जो पहला फंडामेंटल राइट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और आपको सीधे सीधे पता है, इतना हाईलाइटेड ये आर्टिकल है। अस्पृश्यता का निषेध, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी किसी भी कंडीशन में किसी भी फॉर्म में बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड की गई है, बिल्कुल ही निषिद्ध है, ठीक है। और ये जो अधिकार है, ये जो रेगुलेशन है, ये स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के ऊपर भी है। मतलब स्टेट तो कर नहीं सकता, कोई इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल के साथ नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति डिप्राइव कम्युनिटी का है, आप उसके साथ छुआछूत जैसा कुछ भी नहीं कर सकते, या ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते जिससे ऐसी सेंस आए कि इससे अनटचेबिलिटी को प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 सीधे पेपर में आता है, आर्टिकल 17 रिलेटेड विद, आर्टिकल 17 का संबंध है, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से, सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए घटना चक्र में देखिए, या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है किसी भी अच्छे एग्जाम के, बड़े से बड़े एग्जामों में सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये रट लेना है आपको सीधे। अनटचेबिलिटी बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे पहले था ना कि तुम नीच जाति के हो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी परछाई पड़ गई तो पाप चढ़ेगा, इस टाइप का ना, उसे बिल्कुल बैन किया गया। अस्पृश्यता किसी भी रूप में निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, दोनों के लिए है, सिर्फ स्टेट के ऊपर नहीं है। देखिए फंडामेंटल राइट जितने हैं वो ज़्यादातर स्टेट के ऊपर एक प्रकार से बाउंडेशन की गई है, नेगेटिव सेंस की, कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। इसमें स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के ऊपर भी है कि भैया आप भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी भी है कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट ना हो। इसमें कानून बनाने के लिए आर्टिकल 35 का यूज भी होता है, आर्टिकल 17 को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए आर्टिकल 35 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाले जो चीजें हैं उसमें अनुच्छेद 35 का सीधे सीधे उपयोग किया जाता है अस्पृश्यता के लिए, कानून बनाने के लिए। और इसमें जिक्र किया गया कि अस्पृश्यता कैसे खत्म होगी, अस्पृश्यता शिक्षा के प्रसार के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, है ना, कानून बना के इस प्रकार से अनटचेबिलिटी खत्म हो सकती है। तो संविधान किस किस प्रकार से अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात करता है, एजुकेशन के द्वारा, पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा, और बाय मेकिंग ऑफ लॉज, है ना, विधि के निर्माण के द्वारा। इसको और टफ बना करने के लिए, सख्त करने के लिए कुछ कानून भी बनाए, जो 1955 का एट्रोसिटी एक्ट जो है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत एससी एसटी कम्युनिटी के साथ अगर इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो आपकी एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट स्तर का अधिकारी आपको अरेस्ट करेगा और उस केस को सीधे डीएसपी लेवल का अधिकारी देखता है, ठीक है। तो ये 1955 के दो इम्पॉर्टेंट इसके हमारे इस कानून हैं अनटचेबिलिटी के लिए, एक 1955 वाला और एक एससी एसटी अनुसूचित जाति अधिनियम 1989, अत्याचार निरोधक, एट्रोसिटी एक्ट एक्चुअली से कहते हैं, 1989 का है ये। इसमें कानून को थोड़ा और सख्त बनाया गया कि बेल नहीं होना या हायर रैंक का ऑफिसर इसकी जांच करेगा पुलिस का, ताकि इस प्रकार से इसको डिस्करेज किया जाए, अनटचेबिलिटी को इंडियन सोसाइटी में डिस्करेज करना इसका मेन एम है, और उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, ठीक है। तो ये दो इसके आपके अमेंडमेंट के थ्रू कानून बनाए गए, अमेंडमेंट नहीं सॉरी, दो कानून बनाए गए हैं। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, किसी प्रकार से निषिद्ध है, ठीक है, एससी एसटी व्यक्तियों के लिए है। अगर ये कानून किस केस में वैलिड नहीं होता है, जिस अगर ये कानून किसी एससी एसटी के ऊपर वैलिड नहीं हो सकता, समझ गए, ये कानून एससी एसटी के अलावा जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि एससी एसटी का आपस में कुछ बात हुई और तो उस पर ये नहीं होगा कि एक एससी एक एससी को इस प्रकार से अगर कोई केस होता है, तो इसमें ये कानून का यूज नहीं होता है। तो समझ गए आप लोग। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ये भी समानता के लिए बहुत ही बड़ा काम है, और इसमें क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, 18 में। उपाधियां मतलब टाइटल, आपको पता है ना कि आज़ादी से पहले और उससे पहले के जो काल थे उसमें लोगों को सम्मान प्रदान करने के लिए उनके नाम के आगे कुछ अलग से उपाधियां दे दी जाती है, राय बहादुर, है ना, खान बहादुर, इस टाइप की चीज़ें, जिससे कि वो आदमी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली ना उसका स्ट्रेटा इंक्रीज हो जाता था, और इससे क्या होती थी, इससे सोशल
डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने लगता था, है ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने लगता था क्योंकि वो विषमता आ जाती थी समाज में। तो इसके लिए उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया है पूर्ण रूप से भारत में। इसके अंतर्गत राज्य किसी भी प्रकार का टाइटल किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है और कोई व्यक्ति किसी प्रकार का टाइटल ले भी नहीं सकता है, दोनों के लिए भैया। ना तो राज्य किसी को उपाधि दे सकता है, ना तो कोई व्यक्ति उपाधि ले सकता है, यहाँ तक कि कोई इंडियन विदेश में भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है, उसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। और इसके अंतर्गत जो विदेशी भारत में किसी पद पे हैं या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी कोई टाइटल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। और अगर उन्हें यूज़ करना है तो इसमें प्रेसिडेंट की नोड होती है स्पेशल, प्रेसिडेंट की सहमति के बाद ही अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो होता है, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद ये हैं कि भारत सरकार या राज्य शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां प्रदान कर सकता है। आप लोग देखते होंगे जो हमारे डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके नाम के आगे उनका पद लिखा होता है, कर्नल है ना, कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, जो भी अलग अलग ब्रिगेडियर, अलग अलग पद हैं। शिक्षा में और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां मिल सकती हैं और वो उसको आगे लगा सकता है, क्योंकि सम्मानजनक उनके लिए, उनके कार्यों के लिए मिलता है वो, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि वो डिस्क्रिमिनेशन की सेंस नहीं मानी जाएगी इसमें, अगर इनको ऐसा कोई टाइटल मिलता है तो, ठीक है। एक और चीज़ बता दें, ये सिर्फ डायरेक्शन देने वाला आर्टिकल है, ये ऑर्डर वाला आर्टिकल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो करोगे आप, ये एडवाइजरी एक प्रकार की बस। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको सजा नहीं होती इसमें, ठीक है, इसे पिनलाइज नहीं होते हो आप। क्लियर हो गया आप लोगों को कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल और अनटचेबिलिटी विदेशी नागरिकों पर भी लागू है, ये जो अबॉलिशन वाला है विदेशी नागरिकों पर भी लागू है। अगर वो उन्हें कोई ऐसा कुछ लेना है या ऐसा कोई उपाधि ग्रहण कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है। राज्य शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है, वो इसका वायोलेशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो पद्मश्री जो आते हैं, हम तो सोचते हैं कि जो फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, इस तरह की उपाधियां, क्या ये उपाधि में आती हैं कि नहीं आती सम्मान, तो भारत सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं या जो भारत रत्न है ये किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं है। तो इसको उसके नाम के आगे अगर लगा के बुलाया जा रहा है तो ये उपाधि कंसिडर नहीं होती है। इसीलिए पद्म पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या उसके नाम के आगे उसका वो उपहार लगाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका पहला ख़त्म हो गया, हमारा जो समता का अधिकार था उसके चारों क्लॉज ख़त्म हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम सीधे फ्रीडम वाला जो अगला फंडामेंटल राइट है उसके क्लॉजेस देखना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंटिन्यूसली इसको करते जाइए, अब वीडियो जो पढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, और इसी के साथ साथ साइंस की जो वीडियो है वो भी आपके सामने मैं जल्दी लाऊंगा। अभी कई सारी कमिटमेंट एक साथ हो गई तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, जो यूपी पुलिस का जो एसआई का एग्ज़ाम है उससे पहले तक मैं आपको वादा करता हूँ कि लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी है वो आपकी हो जाएगी। एक चीज़ जानिए, फंडामेंटल राइट में ही जो टाइम लग रहा है उसके बाद बहुत तेज़ी से सिलेबस चलेगा। फंडामेंटल राइट के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल मुश्किल से एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट, सबसे बड़ा टॉपिक पार्लियामेंट बचेगा, पार्लियामेंट करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा राज्य सरकार जल्दी से हो जाएगा, और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो फंडामेंटल राइट्स में पेशेंस बना के रखने हैं आपको, समय लग रहा है और मैं जानबूझ के इसको समय लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी समस्या आपको ना आए। और अगर आपको कोई भी क्योरी होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी मन में शंकाएँ हैं वो दूर की जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।